गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम एक्सरसाइज 8D पर देख रहे हैं। 8D पर हम क्या देखेंगे, इंक्रीज डिक्रीज, किस प्रकार परसेंटेजों का बढ़ना और घटना शुरू होता है। तो अब इसके भी दो तरीके हैं कि क्वेश्चन में दिया है 50/20% डिक्रीज या इंक्रीज। तो हम ये इंक्रीज शब्द है बढ़ना, तो इसका हम फॉर्मेटिकल भी कर सकते हैं, ओरिजिनल प्राइस प्लस इंक्रीज प्राइस इज इक्वल टू न्यू प्राइस। तो मतलब ओरिजिनल जो है उसमें हम इंक्रीज को साथ साथ जोड़कर चले, तो हम मींस हमारे न्यू नंबर को आ जाना होता है, वो फॉर्मेटिकल में। अगर हम सिंपल चलते हैं तो सिंपल में रुपीज 50 का 20% निकालना है तो वो आप निकाल दें, और उसके बाद उसका इंक्रीज करके नंबर निकाल दें। जैसे कि आप देखो 50 रुपीज का 20%, तो 20% ऑफ रुपीज 50 इस तरह से लिखे, परसेंट ब्रेक टू परसेंट, ब्रेक टू परसेंट। अब जब ब्रेक कर दिया हमने परसेंट को, तो 100 का डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करेंगे, 100 आ गया, ऑफ किया क्रॉस किया रुपीज 50 टू जा 10 जा, अब हमारे पास रुपए 10 आ गए। जब ये 10 रुपए आ गए तो आफ्टर इंक्रीज मनी तो हम जान देंगे ये इंक्रीज आ गया। तो आफ्टर इंक्रीज इज इक्वल टू, पहले आपकी ओरिजिनल कितनी थी 50, अब इंक्रीज कितनी है 10। अब दोनों को जोड़ दिया तो आफ्टर इंक्रीज मींस न्यू, तो हमारे पास 60 आ गई। ऐसी यहां पर है 5 kg/23%। तो अब हमने डिटेल में किया है, अब हम शॉर्ट कर रहे हैं। जैसे 23/100 × 5 काट दो तो हमारे पास 23/20 kg इंक्रीज आ गया। अब आफ्टर इंक्रीज हम क्या करेंगे, 5 + 23/20 बल लगा दिया 20 LCM, अब बल का दिया 20 × 5 में मल्टीप्लाई किया तो 100, 20 का दिया तो 1 × 1 का 20 में किया तो 123 आ गया आपका आंसर। अब इसका हमें वो नंबर बनाना है तो बना सकते हैं 2 × 6 = 12, 120 हो गया, 3 बचा है, ये आपका किलोग्राम में है। आप वो कह नहीं, आप पॉइंट में बनाइए या ग्राम में बनाइए तो भी हम बना सकते हैं। अब इसका अगर हम पॉइंट में बनाना चाहते हैं तो 6 × 3 × 1000 ये ग्राम बना लिया, ये हमारा किलोग्राम है ही। 20 ले लिया काट दिया, 20 × 5 = 100 तो 6 + 3 = 15 ये ग्राम है, ये किलोग्राम, इन दोनों को जोड़ोगे तो 6.15 kg आ जाएगा। तो ऐसे नंबरों को आप इस तरह कर सकते हैं। अगर आपने इतना भी कर दिया यहां तक तो भी सही माना जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको डिटेल, हमने वो आपको शॉर्ट में लेते जाके दिखाया है। ऐसे ही अगला है डिक्रीज। अब डिक्रीज में चलेंगे तो डिक्रीज में क्या करना है, माइनस करना हुआ, जैसे इंक्रीज निकाला, जैसे इंक्रीज निकाला था ऐसे डिक्रीज निकाल लीजिए और उठा के यहां पर माइनस करना होगा। तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं, द एंट्रेंस ऑफ इट साइंस म्यूजियम रुपीज 50, यानी जब हम घुसते हैं
साइंस म्यूजियम में तो 50 रुपए का टिकट लेना पड़ता है। अब कहता है सीनियर सिटीजन रिसीव 20% डिस्काउंट और सीनियर सिटीजन को 20% डिस्काउंट दिया जाता है। तो हाउ मच फॉर डज सीनियर सिटीजन पे, तो बताओ सीनियर सिटीजन ने कितना पे किया। तो हम इसका प्रॉब्लम्स क्वेश्चन है कि फी एट ए साइंस म्यूजियम इज इक्वल टू ₹50। अब सीनियर सिटीजन के लिए डिस्काउंट है तो डिस्काउंट टू 20%। अब डिस्काउंट मनी निकाल रहे हैं आप, डिस्काउंट मनी तो ₹50 × 20/100 काट दो 2, 10 रुपए की उनको छूट मिल गई। अब क्वेश्चन कहता है कि फी सीनियर सिटीजन कितनी है, तो फी फॉर ए सीनियर सिटीजन इज इक्वल टू ₹50 − 10 = ₹40। तो इस तरह से क्वेश्चन आप करते चले जाएं, फिर कल देखेंगे।